Hello everybody, I know there are so many questions, so I'll try to answer very quickly as much I can. So the first question is about Kazakhstan. See, I know it's from so many days, bahut sare students they are asking ki Kazakhstan ke detail do, detail bataiye. So iske liye kya hai ki jo Edupedia ke students hain, I'll be back in India by tomorrow. So Sunday ko ek Zoom meeting rakh lete hain, jo bhi aapki Kazakhstan ki query about all the universities. ठीक है, जो लिस्ट है यू नो ऑलरेडी, कैस्पियन है अपना, अल्फरा भी है, सेमी है, देन वेस्ट कजाक है. ट्यूशन फीस अराउंड अबाउट 3,800 से लेकर 4,500 तक है. तो जो आपके क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज की, क्या पढ़ाई है कैसे, बिकॉज आई वॉज देयर, आई सॉ ऑल द यूनिवर्सिटीज. तो एक तो आप जो एडुपीडिया का इंस्टाग्राम है उस पर मैसेज कर दीजिए. सो आई कम टू नो कितने स्टूडेंट्स जो है वो कजाकिस्तान के लिए जाना चाहते हैं. और संडे को आपको वहां पे इंटीमेट कर दिया जाएगा किस टाइम पे जूम मीटिंग होगी फॉर एडुपीडिया स्टूडेंट्स. तो आप सारे जो भी अपने क्वेश्चंस है वो क्लियर कर सकते हैं जो कजाकिस्तान जाना चाहते हैं. सेकंडली, जो आप मेन क्वेश्चन थे कि वहां पे जो क्राइटेरिया क्या है पढ़ाई पढ़ाई का, यहाँ वहां पे फाइव ईयर कोर्स है ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए. सिक्स ईयर कोर्स वहां पे अब जो एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से शुरू होगा. सो एग्जिस्टिंग जो कोर्स है दैट इज ऑफ फाइव ईयर्स. तो वैसे भी वहां पे लास्ट ईयर में वैसे स्टूडेंट्स को ले नहीं रहे, वहां पे उनको उनके पास परमिशन नहीं है, दे आर ट्राइंग फॉर दैट. जो स्टूडेंट जो है जितने भी सेकंड ईयर से, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाते हैं, तो उनके नॉर्म के हिसाब से जो क्रेडिट डिफरेंस है वहां का, यूक्रेन का और कजाकिस्तान का, वो काफी है. तो पहले 6 महीने वो क्रेडिट डिफरेंस जो है वो दूर करवाते हैं, उसके बाद आपको जो है वो अपने नेक्स्ट ईयर में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेकंड से थर्ड ईयर में अगर जाएंगे तो 6 महीने क्रेडिट डिफरेंस, और उसके बाद आपको थर्ड ईयर में लेंगे. सो सिंपल वर्ड्स में अगर बोल लीजिए तो जो आपकी 6 साल की डिग्री है वहां पे 5.5 साल की होगी. तो जूम मीटिंग संडे, उसमें क्लियर कर देंगे. अब सभी यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी सीट्स हैं, सेकंड ईयर में किसी के पास कितनी सीट्स हैं, थर्ड ईयर में कोई सिर्फ सेकंड थर्ड ईयर में अलाउ करता है, कोई फोर्थ ईयर तक अलाउ करता है. तो आप मैसेज कर दीजिए जो एडुपीडिया स्टूडेंट्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, और संडे को जो है हम जूम मीटिंग करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट लिमिटेड सीट्स, जॉर्जिया, जॉर्जिया में कितनी सीट्स हैं. हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स होती हैं हर एक साल में. तो जॉर्जिया में भी ऐसे ही है. तो जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बीएयू के लिए बोला था कि वहां पे आप कर लीजिए, पढ़ाई वहां पे बहुत अच्छी है. तो उसमें कोई काफी क्वेश्चन थे, ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, ऐसे नहीं है. देखिए, एमबीबीएस कर रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन जानबूझ के कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पीछे नहीं करती. तो बीयू में भी ऐसे ही है, हमने जब मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया उसके बाद ही बच्चों को जो है वहां पे फॉर एग्जांपल फोर्थ या फिफ्थ ईयर में ट्रांसफर करना शुरू किया था, एक्सेप्टेंस लेटर देनी शुरू की थी. तो पढ़ाई अच्छी है लेकिन सीट्स लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस है हर एक यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया में. तो जिनकी एक्सेप्टेंस लेटर आ गई है, देखिए जिन्होंने तो फीस जो उनके इनिशियल $1,000 फीस है पे कर दी है, तो वो तो ठीक है. जिन्होंने जिन्होंने अभी नहीं की वो अगले 2-3 दिन में कर दीजिए, अदरवाइज जिनके उनकी सीट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी क्योंकि रश काफी ज्यादा है. तो फिर वो नेक्स्ट बच्चे को मिल जाएगी जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट विंटर इनटेक. मेरे को डॉक्टर अमन ने क्वेश्चन लिख के भेजा कि डिड यू फॉरगेट अबाउट नो, वी डिडंट फॉरगेट अबाउट यू. हम वहां पर जो कोशिश कर रहे हैं जो भी विंटर इनटेक के लिए, तो आई विल अपडेट यू इन 2-3 डेज कि कैसे पॉसिबल होगा, किस ईयर में पॉसिबल होगा, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होगा. तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिक्स्थ ईयर, सिक्स ईयर स्टूडेंट्स का क्या. देखिए, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए, मेरे लिए भी. तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सिक्स ईयर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इतनी सीट्स है ही नहीं. कजाकिस्तान में तो वैसे ही लास्ट ईयर में अलाउ नहीं कर रहे, और जॉर्जिया में भी हर यूनिवर्सिटी जो अलाउ कर रही है उसके नॉर्म्स हैं. ठीक है ना, जो क्रेडिट डिफरेंस है लास्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट जॉर्जिया, तो वो यूक्रेन और जॉर्जिया का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो उसमें क्रेडिट्स पूरे होने चाहिए, वहां पे आपके आपको पीछे लेंगे, आगे लेंगे, एक टेस्ट लेंगे, इसके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, जो अपने जो अप्लाई करना चाहता है स्टूडेंट वो कर सकता है, डोंट वेट. ठीक है जी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन मेरे को एट प्रेजेंट लगता है वो है, जैसे काफी पेरेंट्स, मोर देन 60% पेरेंट्स स्टिल दे आर ट्राइंग कि एनएमसी अगर कुछ कर दे दो. तो मैं भी यही होप करता हूं अगर सिक्स ईयर के लिए कुछ कर दे दो, क्योंकि इनका ज्यादा टाइम तो पड़ा नहीं है. फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी, चाहे जॉर्जिया हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कोई कंट्री हो, क्योंकि उनके पास अभी टाइम पड़ा है और वो वहां पे अच्छी तरह से अकोमोडेट हो जाएंगे. सिक्स ईयर के पास ज्यादा टाइम है नहीं, डिग्री उनकी थोड़ी ज्यादा कुछ महीनों की बात है. तो जहां भी जाएंगे, लैंग्वेज, हर एक चीज काफी जो है वो ग्लिचेज होंगे. तो मंडे या ट्यूजडे आई थिंक पेरेंट्स के साथ मैंने ऑलरेडी बात की है जो सिक्स ईयर वाले हैं, तो मिलकर कोई ना कोई थ्रू एनएमसी
सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे को बेस्ट सोल्यूशन यही लगता है कि अगर ऑनलाइन किसी तरह से अलाउ कर दें और प्रैक्टिकल का कोई ना कोई जो है वो एक सोल्यूशन दे दें, तो आप डायरेक्टली जो है वो एमसीए की तैयारी करके यहाँ पे सेटल हो सक मतलब इंडिया में सेटल हो सकते हैं। तो लेट्स वेट टिल नेक्स्ट वीक, और जो अप्लाई करना चाहता है बार बार मैसेज करान जी मैंने अप्लाई किया तो वो कर दीजिए, डोंट वेट। ठीक है जी।